सुप्रभात। आज 10वीं कक्षा की इस हिंदी कक्षा में पुनः आप सभी का अभिनंदन। छात्रों, कल हम सभी ने अपनी क्षितिज बुक का पाठ 2 बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पाठ को समझा था और समझने के बाद कुछ पठित गद्यांशों पर अभ्यास भी किया था। जिन छात्रों ने कुछ परेशानियों का सामना किया उनकी परेशानियां कल दूर हो गई होंगी, ऐसी मुझे आशा है। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर जो आपकी क्षितिज बुक में दिए गए हैं वह मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला प्रश्न, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत को किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण भगत कहा गया। पाठ में मैंने आपको समझाया था कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें साधु कहा जाता था, भगत कहा जाता था। उनकी कुछ चारित्रिक विशेषताएं थी जिनके कारण ऐसा कहा जाता था। अब वो चारित्रिक विशेषताएं क्या थी कि वह तुलसी की माला पहनते थे, कबीरपंथी टोपी धारण करते थे, वस्त्रों के नाम पर केवल एक लंगोटी धारण करते थे, ईश्वर भक्ति के गीत और पद गाया करते थे। इसके अतिरिक्त ग्रस्त होते हुए भी वह जितनी भी पैदावार उनके घर में होती थी वह उसे सबसे पहले कबीरपंथी मठ में दान कर दिया करते थे और उसके पश्चात केवल प्रसाद रूप में ग्रहण किया करते थे। इसके अतिरिक्त हमेशा दूसरों के विषय में चिंतन किया करते थे और अंधविश्वास नहीं करते थे। इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण हमेशा उनके माथे पर एक चंदन का तिलक जो है वो लगा रहता था। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण बाल गोविंद भगत को साधु या भगत कहा जाता था। दूसरा प्रश्न, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत जी के केवल एकमात्र पुत्र था जिसकी पत्नी और उनका बेटा उनके साथ रहता था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्रवधु को दूसरा विवाह करने का आदेश दिया, लेकिन उनकी पुत्रवधु ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसका कारण यह था कि वह बाल गोविंद भगत को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उनका कहना था कि उनके जाने के बाद बाल गोविंद भगत जी की देखभाल कौन करेगा, उनके लिए भोजन और दवाई की व्यवस्था कौन करेगा, और यहाँ तक कि घर में उन्हें पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा, और वो जीवन भर उनके साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। तीसरा प्रश्न, भगत जी अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त किया। भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं किया। आंगन के बीच चटाई पर अपने बेटे की के शव को लिटाकर उसे सफेद चादर से ढककर वह उसके एक दीपक जलाकर वह उसके पास बैठकर ईश्वर भक्ति के गीत गाने लगे और लोगों से खुशियां मनाने के लिए कहने लगे। और लोगों ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मृत्यु पर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने जा रही है और इस मिलन पर हमें खुशियां मनानी चाहिए। और उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने पदों के माध्यम से व्यक्त किया। आशा करती हूँ तीनों प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। चौथा प्रश्न, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। इस पाठ को कल हमने समझा और आप लोगों ने पढ़ा भी, पठित गद्यांश भी हमने किया, और पढ़ते हुए हमने जाना कि भगत जी का चरित्र जो है वो कैसा है। भगत जी हमेशा दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति थे। वे एक कर्मठी व्यक्ति थे, कार्य करते थे, ग्रस्त रहते हुए भी साधु जीवन अपनाते थे, दूसरों के विषय में चिंतन करते थे और अंधविश्वास नहीं करते थे। और इसी का उदाहरण था कि उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात खुशी मनाने के लिए कहा, उसका दाह संस्कार अपनी पुत्र वधु से कराया और सामाजिक विरोध के बावजूद अपनी पुत्र वधु को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दी। इसके अतिरिक्त उनके वेशभूषा के बारे में अगर हम बात करें तो वस्त्रों के नाम पर एक लंगोटी धारण करते थे, एक चंदन का तिलक लगाते थे, एक कनपटी कबीरपंथी टोपी पहनते थे, इसी और हमेशा एक तुलसी माला उनके हाथ में होती थी, खड्ग ताल भी उनके हाथ में होती थी जिसे बजाते हुए वे पद गाया करते थे। चार प्रश्न, इसके पश्चात अगला प्रश्न,
भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को आपने समझ लिया। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों बनी? बाल गोविंद बहुत सवेरे जल्दी उठ जाया करते थे, उसके पश्चात प्रतिदिन तट तक स्नान करने के लिए जाते थे और जाते हुए और आते हुए वे अपने पदों को गाते रहते थे। इसके पश्चात खेतों में काम करते हुए भी वे हमेशा अपने संगीत को अपने साथ रखते थे। उनके संगीत की ताल पर अन्य लोगों के, बच्चों के, औरतों के, अन्य सभी के जो हाथ थे वे उसी उनकी संगीत के साथ ही चला करते थे और एक ईश्वर के प्रति समर्पित होकर सारा दिन कार्य करते हुए वे शाम को फिर ईश्वर आराधना के साथ अपने दिन को समाप्त किया करते थे। किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर, अत्यधिक ठंड या गर्मी होने पर भी उनकी दिनचर्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता था। आज के लिए केवल ये 5 प्रश्न हैं। आप पुनः अपने पाठ को पढ़ेंगे, जो मैंने बोला उसे ध्यान से सुनेंगे और फिर अपने शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। जहां भी आपको कुछ भी समस्या आती है या परेशानी होती है तो आप मुझसे सुझाव ले सकते हैं। धन्यवाद।